Namaste, hi everyone. Welcome to IG's React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, I will be finally reacting to, my God, so many requests for this, Maharani by Krishna. And yes, of course, this will be followed up by the lyric breakdown by Rohan. So this is, again, like, I opened the lyric breakdown video and again ye 20-22 minute ka video hai. So I'm guessing bahut kuch hai Rohan ke paas bolne ke liye for this particular song. So I'm really excited to check this song out. Firstly, because Krishna's lyrics are just unbelievably good. So, and I want to see what kind of reply he gives. So when I read the comments, you guys told me that this was again made in 24 hours as a reply to Bitch I'm a God. So let's see what this is. And yeah, iske baad wala jo video hai, I'm telling you now only, the next song for this I'm gonna post on Monday, because I have couple of other videos lined up for my reaction for the weekend. So I'm, before you spam my comments ki iske baad wala kahan hai, I'm telling you now only that it will be posted on Monday. Yes, so let me just clarify that. And yeah, without delaying this any further, let's react to Maharani. Firstly, the thumbnail of Maharani is, well, when I just opened kiya and I saw the thumbnail, he's put Mufar's face, like his photo with like the Maharani ka get up. So I mean, the thumbnail itself is so savage. तो मैं सोच रही हूँ गाना कितना savage होगा. Let us begin. Yo. सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी, गहराई में मैं शार्क मेरी लहर आ रही, तू वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी, पड़ेगा अब थप्पड़ तू असली खबर पड़, मैंने महारानी को फाड़ दिया, देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंदूर से, मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया, तेरी प्रजा नहीं ये मेरी अवाम है, तेरे दोगलेपन का तो रहा हूँ गवाह मैं, एयर होस्टेस थी ना तेरी बंदी, वो तो उसका काम है पर तू क्यों हवा में, तू था डॉग तेरी बीच में ही जाता, नॉक नॉक रात के बीच में ही आता, उसने कहा क्रिश गिव मी दैट डिक, मेरा इतना बड़ा उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता, बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में, बुरा लगा कृष्णा भैया आगे निकल गए असल में, बुरा लगा आर्टिस्तान ने तुझे प्यार नहीं किया, बुरा लगा तुझ पे DMF ने कभी ध्यान नहीं दिया, करने लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा पर हमले से पहले एक वार्निंग आता, क्लासिकल संगीत का है शौक मुझे आजकल, उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा, दिस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है मेरे, सॉरी आई पॉज, पता नहीं कृष्णा के गानों में मुझे, आई जस्ट रैंडमली पॉज बिकॉज रागा अगेन दिस वन रैपर राइट, वो तो मैं ब्रेकडाउन में देखूंगी व्हाट इज द हेलो, ओ बुरा लगा, ओ माय गॉड, हेलो दिस वाज, दैट्स लाइक ओके, दांत पीले नहीं तेरे फैक्स की दर है, मैंने डाला गाना 11:30 तूने डाला 10 पे 22:30 घंटे मैथ्स की दर है, 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया, 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया, माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया, अभी बहुत रेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी, रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया, रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी, थोड़ा कम फूक तू मारली नहीं है, हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है, जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी, आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, लेना ना पंगा लगा दूं मैं लंका, तुझ में ना क्षमता बनाने का ढंग का, सुबह सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा, आज ही मेरा घंटा, कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्ल से शक्कर था, तुझ पे मैं शक्कर था, छोटे तू मेरे ना टक्कर का, जाके ये पकड़ जा तू टोनी ककड़ का, भसड़ का जिक्र अब कर रहा है जान के, मेरा विकिपीडिया पढ़ ले तू ध्यान से, पड़ा जे की मीडिया के कूड़ेदान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते, फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके, अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में, मैं घुसे वाला नहीं मिलने घंटा घर पे, पंच लाइन पे पंच लाइन, इसको देख के लगता है जैसे मेरा लंच टाइम, आर यू स्लिट दैट जैसे खुलू किट कैट, लाता मैं बार जब आता है क्रंच टाइम, आई एम नॉट द वन टू फक विथ, तू लगे इन ब्रेड जैसे बन में कटलेट, अब बंटी के बिस्तर में कर तू वर्जिश, आई गेस फॉर यू सन इज फन टू सक दिक, बीफ में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय छोड़ी
सौ लाश है, तेरा खानदान सुनता है एमवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है। मैदान में बस असली जो रखते कदम, तू नकली जन्म से अब रख ले भरम, रिप्लाई के नाम पे तू कर ले शर्म, रख दे कलम हर जस तू कर दे खत्म। 40 भी सुनता है कृष्णा के गाने, यहाँ सच नहीं बोलता तू फेकर है बेटा, तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज, किंग रॉको का चौको तू लेकर है बेटा, खा ले तू मुंह में अब डाल ले तू, रैप छोड़ बेटी तेरे बस की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है पहले जुल्फे संभाल ले तू। इतने साल से बनाया नहीं हिट, हिप हॉप के घर में लगाया नहीं ब्रेक, बीमारी में तूने बनाया ये डिस, अफसोस फिर भी कुछ लिख पाया नहीं सिक, मारने का था तुझे इरादा नहीं, दिखाया रिस्पेक्ट और बदले में मांगा नहीं, धक्का दोगे तो कठोर मुझसे ज्यादा नहीं, मैं ही भगवान मुझसे बड़ा महाराजा नहीं। उसके बाद भी सुना तो सो इट्स लाइक ही कॉल्ड फर्स्टली हेलो कृष्णा, ये तो मतलब ओके लेट मी जस्ट से आई लाइक द टाइटल महारानी फॉर द वेरी फैक्ट कि वो फाड़ ने अपने गानों में पहले अपने आप को वो बोलता था मैं ही महाराज हूं, राइट? सो दैट्स लाइक the counter that he gave in the title itself, Maharani. And secondly, about the song, oh, this has to go, like, this probably is in my top 5 Krishna songs right now. Matlab jitna bhi maine suna hai, oh, this is, in terms of lyrics, I'm saying, even the beats are nice of the song, I loved his flow over here. And he has thrown in a lot of names at the end verses, like at the ending verses, he was throwing a lot of names. Jaise maine Raga ka naam suna, there was one more rapper, anyway ka to naam aata hi rehta hai in dono ke, I feel like anyway bichara matlab beech mein aise hi phans jata hai, this is just my feeling. Then bahut sare rappers ko unhone naam liya, then but my favorite part was jab in the beginning when he was saying oh pura laga, the way he modulated like his voice over there, oh tujhe pura laga koi baat nahi, ha ki tujhko hustle mein nahi bulaya, oh pura laga, those were like very creatively done, I really like that. And then he talks about you are claiming that you have put the song in 10 hours, but then he saying ki itna matlab He's basically calculating it properly and saying it's not 10 hours, it's more than 10 hours. So where is the math? Huh? So that, of course, when I look at Rohan's video, then it'll be more clarified. You guys also, like, I saw a couple of comments where you said that it was not really 10 hours. It was like more than that because sometimes like he has used verses which he had already made. These are the things that you told me which I was not aware of. And the fact that this is done in 24 hours with a proper video, that is something. I mean, props to Krishna for that, for sure. Props, like he made a proper video, he edited, he wrote, he edited, huh? He shot this video and then he posted it on the channel. I mean, you have to give props to the artist for that. And not just Krishna, of course, his entire label is responsible for putting everything together, like Kalamkar. Then, so he talks about that particular part. Then, ye to uske baalon ke peeche hi pad gaya, my God, huh? So many references to his hair. And there was one bar which I loved. The wordplay over there was just so fantastic. Wo Kit Kat wala, and then he says ki, you know, I just throw bars. So Kit Kat bar jo hota hai, I really like that wordplay. I am 100% sure Rohan is going to refer to that also. So lyrics itna fast move kar rahe the, so these are the things that I could pick up. These are the things that I could pick up in my first listen. But wow, I enjoyed this so much. Wow. Guys, hello. At the end when he says RIP. So, and then he's talking about facts also in the song where he says, you know, where are your facts? You're dissing me without facts. And that's what you guys told me. So I'm very new to all this. So I read a couple of comments where you told me like,
If there is a diss, the other person is supposed to respond within 24 hours to keep it continued. And if you are not replying to it, then you sort of lose the battle. This is one rule in hip-hop, core hip-hop. Secondly, is that you are supposed to counter the other person, like your opponent, with facts. Like technical facts, and that's how, with the technicality, you are supposed to make the lyrics around that. Ki bas just sirf swag dikha ke aap diss nahi kar sakte, you have to actually say facts. So yeah, those are the things basically that I'm finding out slowly. So yes, let's look at the breakdown. Kuch चीजें तो मुझे आ रही है समझ में. देन ही इज थ्रोइंग सो मेनी नेम्स. और एक रैपर का उन्होंने नाम लिया वेयर ही सेड कि कम ऑन नाउ यू टेक ओवर. सो लेट्स सी व्हाट ऑल दैट इज अबाउट. एंड या आई एम सो ईगर टू लिसन टू द ब्रेकडाउन फॉर दिस. इट्स अ नाइस 22 मिनट वीडियो. तो पता नहीं पॉइंट काउंटर कहाँ पे जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग, एब्सोल्युटली लव्ड कृष्णाज over here, his rapping. But I think for me, once again I think with Krishna by default, it's the lyrics that are on the top for me. That's the most valuable thing that I take away from Krishna's videos, the lyrics, the way he raps, his bars basically. Okay, here we go, let's watch Rohan's video. Rohan, once again, thank you so much for making these things for people like me to understand. All right. हेलो नमस्ते पैरी पौना पाए लागू. मेरा नाम है रोहन कार्यापयन. आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ अ डिस दैट हैज ब्रुटैलिटी रिटन ऑल ओवर इट. ट्रैक का नाम है महारानी बाय कृष्णा. मूफा रिस्पॉन्डेड टू कृष्णाज डिस विद इन 24 आवर्स एंड दिस टाइम कृष्णा डज द सेम टू शो हिज प्रोविस. हम जनरली आर्टिस्ट को उनके कॉन्टेंट के लिए इस चैनल पे प्रेज करते हैं, वही सेम चीज महारानी के साथ भी होगी. बट वन थिंग फॉर विच आई रियली एडमायर कृष्णा इज बिकॉज ऑफ हिज ब्रावाडो एंड हाउ फियरलेस he is. Eminem in West is fearless. वो अपने गानों में Bill Clinton, Hillary Clinton, Christina Aguilera, Trump जैसे बहुत सारे लोगों को diss कर चुका है. And diss करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो only problem is अगर आप एक बंदे को brutally diss कर देते हो अपने गाने में, you burn bridges with that person and you can never work with him or her in the future. ऐसे बहुत सारे artist हैं जिन्होंने ये stunt try किया है and later they had to apologize to that celeb on social media. अच्छा. By the way, can you guess which rapper am I talking about here? Moving on. Krishna in this track has who ye kaun sa diss wala mamla hai? Dissed Mufad, of course. He has dissed Ziki Media. He has dissed Desi Music. Yes, Ziki Media. Pehle to usne bola ki DMF ne bhi matlab tere ko dhyan nahi diya. And then wo Wikipedia and Ziki Media is his like another label. Because क्या होता है कि जब copyright claim आता है गाने पे, so in Mufar song it comes from Ziki Media. That's what I know. तो जब DMF बोला था तो मैं पहले थोड़ा confused हो गई थी कि if they are the same or different. Factory, he's dissed Tony Kakkar, he's dissed Amitabh Bachchan, and he's also dissed Rekha, etc. There's so many names he took. So props to Krishna for being this fearless. And before you start watching the breakdown, comment and try to guess ki is diss track mein aisa kaun sa bar hoga jisko 3 points milne wale hain. Let's see if you can get it right. And for now, without wasting any time, let's jump right into it. I don't know, man. His bars are just amazing. मुझे तो personally I really liked. मतलब चलो वो तो lyric है जब वो बोल रहा है कि और बुरा लगा. But I think in terms of bars, मुझे तो Kit Kat वाला reference सबसे अच्छा लगा. That's my personal favorite from the song. महारानी इज द फीमेल वर्जन ऑफ महाराजा एंड वी ऑल नो कि मूफाड एड्रेसेस हिमसेल्फ एज महाराजा. ऑल्सो महारानी साउंड्स लाइक मरानी विच मीन्स गेट फक्ड एंड अगली लाइन इसी मीनिंग ऑफ मरानी को कंटिन्यू करती है. सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी. तो कृष्णा कह रहे हैं कि मूफाड को कृष्णा से मरानी है by having a beef with him. He then says कि इस ठुकाई के बाद मूफाड के पैर भारी हो जाएंगे. पैर भारी होने का मतलब होता है मूफाड प्रेग्नेंट हो जाएगा इस ठुकाई के बाद. What a great line. कृष्णा कहते हैं कि वो गहरे पानी के शार्क है एंड उनकी लहर यानी उनका ट्रेंड सेट हो रहा है. एंड देन ही सेज कि मूफाड इज अ
मियर जलपरी। बाय द वे जलपरी वाज द नेम जो कृष्णा ने मुफाड़ को अपने पिछले ट्रैक अनटाइटल्ड में दिया था। कृष्णा सेज की मुफाड़ एक जलपरी है जो नहर में यानी कैनाल में तैर नहीं पा रही। नाउ दिस इज अ डबल एंटेंड्रे वेयर द फर्स्ट मीनिंग सेज कि कृष्णा शार्क है हिप हॉप में और मुफाड़ एक जलपरी है जो कम पानी में भी तैर नहीं पा रही है। द अदर मीनिंग इज अ वर्ड प्ले बिटवीन नहर एंड नायर जिसमें वो मुफाड़ को बोल रहे हैं कि वो मिस्टर नायर जो कि रफ्तार की एल्बम है उसमें जगह नहीं बना पाए, जलपरी तैर नहीं पाई नहर में। रिमेम्बर इससे पहले जो रफ्तार की एल्बम आई थी विच वाज कॉल्ड जीरो टू इन्फिनिटी उसमें मुफाड़ के साथ फीचर्ड एक गाना रफ्तार ने इंक्लूड किया था विच वाज कॉल्ड सारे करो डैब। व्हाट अ क्रेजी लाइन दिस इज। खबर इन दिस लाइन रिफर्स टू मुफाड़'स डिस जिसमें वो कहते हैं कि कृष्णा और मुफाड़ के बैटल के बाद सुबह हेडलाइन छपेगी न्यूज़पेपर में कि मुफाड़ ने कृष्णा को उधेड़ दिया। तरफ तू एक तरफ मैं ही मैं महाराज ने उधेड़ दिया सुबह होगी हेडलाइन। कृष्णा सेज की असली खबर ये होगी कि कृष्णा ने महारानी यानी मुफाड़ को फाड़ दिया। फाड़ इज अ पार्ट ऑफ मुफाड़'स नेम। जस्ट नोटिस कृष्णा'स चॉइस ऑफ वर्ड इन दिस होल रैप। देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंह। Nice. दूर से मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया। This is one of my favorite lines. But इसको decode करने से पहले मुफाड़ का एक diss सुन लेते हैं। सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में दोनों 24 घंटे डेडलाइन। इसमें मुफाड़ ने बोला था कि सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन। लाइन इन हिंदी इज कॉल्ड रेखा। रेखा इज आल्सो एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड जिनका चक्कर अमिताभ बच्चन के साथ चल रहा था जवानी में। बट लेटर ऑन अमिताभ बच्चन एंडेड अप मैरिंग जया बच्चन एंड नॉट रेखा। बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रेखा स्टिल वेयर सिंदूर फॉर अमिताभ। तो कृष्णा कहते हैं कि तू सिंदूर से रेखा लगा, बट कृष्णा मुफाड़ की लेकर उसको रिजेक्ट कर देंगे जैसे अमिताभ ने रेखा के साथ किया था। तेरी प्रजा नहीं ये मेरी अवाम है, तेरे दोगलेपन का तो राहू गवाह मैं। मुफाड़ अपनी फैन बेस को प्रजा बुलाते हैं। कृष्णा सेज की यहाँ तेरी प्रजा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरे फैंस है। कृष्णा सेज की उन्होंने मुफाड़ की हिपोक्रेसी क्लोजली देखी है। एंड नोटिस हाउ ही प्रोनाउंसेस रहा हूँ एज राहु। राहु इन एस्ट्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम बैड टाइम्स इन योर लाइफ। आपके ग्रह अगर राहु में आ गए मतलब आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। कृष्णा सेज की मुफाड़ के राहु वो है एयर होस्टेस थी ना तेरी बंदी, वो तो उसका काम है पर तू क्यों हवा में। नाउ मुफाड़ की एक्स गर्लफ्रेंड वाज एन एयर होस्टेस। एन एयर होस्टेस हवा में होते हैं बिकॉज़ दे वर्क इन एन एयरक्राफ्ट। बट दिल्ली स्लैंग में हवा में रहने का मतलब होता है ईगोटिस्टिकली या ओवर कॉन्फिडेंस में रहना। फॉर एग्जांपल क्या बात है जब से बंदी बनी है बहुत हवा में उड़ रहा है तू आजकल। गेट द पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पर्सनल अटैक वेयर कृष्णा इज इंक्लूडेड मुफाड़'स एक्स गर्लफ्रेंड इन द डिस। तू था डॉग तेरी बिच मैं ही चाहता। तू है डॉग रिफर्स टू मुफाड़'स डिस टू रागा जिसका नाम था बिच आई एम अ डॉग। खाती बिल्लियां ये खौफ करो जो गाने ड्रॉप cuz bitch I'm a dog bitch I'm a dog। कृष्णा कह रहे हैं कि तू है डॉग तेरी बिच मैं ही चाहता, मतलब मुफाड़ की गर्लफ्रेंड को कृष्णा पटाएगा। ऑल्सो बिच मैं ही चाहता इज अ वर्ड प्ले ऑन बीच में ही छाता, मतलब कृष्णा मुफाड़ के बीच में छाता घुसा देंगे। नॉक नॉक रात के बीच में ही आता, उसने कहा क्रिश गिव मी दैट डिक, मेरा इतना बड़ा उसका मुफाड़ के भी फिट नहीं आता। This is unbelievably brutal. Reminds me of Tupac's diss to Biggie named Hit Em Up, जिसमें Tupac ने बोला था कि he slept with Biggie's wife. यहाँ भी ऐसे ही कुछ सीन है. Along with that brutality, like this is Krishna this is basically like him going. This is him starting to go completely personal. So I am guessing in the next song, which शायद मुफाड़ का ही गाना ही होगा, because I think जो मेरे को list मिली थी आप लोगों से, I've taken a screenshot, उसमें I think रागा का भी एक गाना है, so I'll check it out, whatever the next song is that I'll post on Monday, but yeah, this is like I think the beginning of this particular beef where things are getting personal, things are getting very very personal. So incorporated Mufad's name into the sentence very smartly and effortlessly. Amazing line. Oh, bura laga. Raftar bhaiya ne bulaya nahi hustle mein. He was not invited in hustle, and that's exactly why Mufad started this beef. Because wo upset the ki unke sab contemporary rappers ko hustle par bulaya gaya tha, lekin unko nahi bulaya gaya. Notice this oh that Krishna is using. This is a reference to Raga's diss Pooch Mera Naam, jo unhone Mufad ke liye nikala tha, and usme bhi aisa hi kuch segment aapko dekhne ko mil jayega. Achha.
दिल से ना खेलियो और अपनी बंदी की फिक्र ना कर, कहीं तुझे लग रहा हो घर पे अकेली हो, ऐसे लगे जैसे चली हो चेंसो। नाइस। बुरा लगा कृष्णा भैया आगे निकल गए असल में, बुरा लगा आर्टिस्तान ने तुझे प्यार नहीं किया। आर्टिस्तान मुफाड का प्रीवियस लेबल है जिसको उन्होंने छोड़कर डीएमएफ ज्वाइन किया था। अच्छा। बुरा लगा तुझ पे डीएमएफ ने कभी ध्यान नहीं दिया। मुफाड ने डीएमएफ यानी देसी म्यूजिक फैक्ट्री को 3 साल पहले ज्वाइन किया था, पर अब तक उनके कुछ हैंडफुल ही गाने डीएमएफ के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए हैं। एंड मुफाड प्रॉब्ली हैड दिस इशू कि डीएमएफ उनको पूरी तरह अटेंशन नहीं दे रहा है, एंड दैट्स अ रीजन व्हाई ही वांटेड टू स्विच टू कलमकार। बाय द वे दिस ऑल पार्ट डिड नॉट हैव एनी क्रेजी बार और रेफरेंसेस, बट जस्ट द टोन ऑफ दिस पार्ट। सी आई सेड द सेम थिंग, आई सेड द सेम थिंग बिकॉज़ द वे ही सेड इट, द वे ही चेंज्ड मॉड्यूलेटेड हिज वॉइस कि बुरा लगा, मतलब दिस इज लाइक बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे टीज करना। हां, so damn brutal. करने लगा brainstorming ज़्यादा, पर हमले से पहले एक warning आता। brainstorming मतलब होता है कुछ भी creative idea या कोई solution ढूंढने के लिए हम सोचने बैठते हैं और बहुत सारे ideas को evaluate और reject करते रहते हैं until we find a good idea. Classical संगीत का है शौक मुझे, आजकल उठ के चलाता हर morning रागा। Look at the name drop. मुफाड ने अपने song Bitch I'm a God में 47 और सिद्धू मूसेवाला का name drop किया था, and look how Krishna responds with a plethora of name drops throughout the song. बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड दिल्ली का रैपर है जिनकी बहुत इंटेंस बीफ हुई थी मुफाड के साथ। कृष्णा टीजेस मुफाड बाय सेइंग कि आजकल रोज सुबह मैं रागा को सुनता हूँ, बट ट्विस्ट इट इनटू अ डबल एंटेंड्रे बाय मेंशनिंग क्लासिकल म्यूजिक वाला रागा, यानी राग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राग आपको क्लासिकल म्यूजिक में मिलते हैं वो सुबह सुनते हैं। दिस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है। दिस मिनिमल मतलब होता है मुफाड डिड नॉट गो ऑल आउट विद हिज डिस बिकॉज उन्हें मैक्स से डर लगता है। मैक्स इज द स्टेज नेम ऑफ रफ्तार व्हेन ही वाज अ डांसर, एंड लुक हाउ इंक्लूड्स एंटोनिम्स एंड देन नेम ड्रॉप्स रफ्तार। Yet another name drop, yet another smart bar. मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्स की दर है। मुफाड ने कृष्णा के सुनहरे बाल वाले डिस का रिप्लाई देते हुए बोला था कि मेरे बाल पीले हैं और कृष्णा के दांत पीले हैं। Here कृष्णा says कि उन्होंने जो कहा था वो सच्चाई थी कि मुफाड के बाल सुनहरे हैं, but कृष्णा के दांत पीले नहीं हैं। That means मुफाड is not uttering facts in his tracks. मैंने डाला गाना 11:30, तूने डाला 10:30, 22:30 मैच की दर है। Wow. So मुफाड ने 22:30 22.5 hours के बाद कृष्णा के डिस का रिस्पॉन्स वीडियो YouTube पे अपलोड किया था, बट उसके टाइटल में एंड वीडियो में लिखा था कि ये वाला डिस 10 घंटे में बनाया गया है। मुफाड ने 10 घंटे ये सोच के लिखा होगा, मे बी आई एम अज्यूमिंग, कि उन्होंने ये डिस पे काम करना बहुत लेट स्टार्ट किया था, मे बी 12 घंटे बाद किया था, एंड फ्रॉम दैट टाइम ही इज काउंटिंग दोस 10 hours जो उनको लगे। बट आई स्टिल थिंक कि कृष्णा हैज अ पॉइंट हियर बिकॉज तलहा यूनिस ने अपनी एक स्टोरी में बताया था कि उन्होंने बहन के जो था वो सिर्फ 3 hours में लिखकर रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई थी, बट ही स्टिल कॉल्ड इट 24 hour डिस बिकॉज उसका अपलोड टाइम इनिशियल चेनके की स्टोरी के 24 घंटे बाद था। 4 साल 3 label लॉक नहीं कर पाया। 4 साल में मुफाड हैज मूव्ड फ्रॉम आर्टिस्तान टू देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड देन ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ डीएनएच गैंग जो कि अब कलमकार हो चुका है। तो कृष्णा इज टेलिंग कि मुफाड एक लेबल पर रुक नहीं रहे हैं, नए नए लेबल्स ट्राई कर रहे हैं। 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। मुफाड के लास्ट 1 साल में से कोई भी वीडियो पर 1 million व्यूज क्रॉस नहीं हुए हैं। माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तो रॉक नहीं कर पाया। वाओ, व्हाट अ लाइन। भंड होना या हाई होना, इसको इंग्लिश में स्टोन्ड होना भी बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट स्टोन ब्रो, समझ रहे हो? बट स्टोन इज ऑल्सो अ पत्थर, हिंदी वाला पत्थर, एंड पत्थर के लिए इंग्लिश का दूसरा शब्द क्या है? यस, एग्जैक्टली, रॉक। बट रॉकिंग अ कॉन्सर्ट ऑल्सो मीन्स परफॉर्मिंग वेल इन अ कॉन्सर्ट। इन सब की खिचड़ी बना दो, इन सबको मिला दो, तो कृष्णा कहते हैं कि माल फूक के मुफाड स्टोन्ड रहता है, बट कोई कॉन्सर्ट रॉक नहीं करता। स्टोन्ड एंड रॉक आर यूज्ड सो वेल इन दिस सेंटेंस। ये क्या जीनियस वाली हरकत चल रही है यार। अभी बहुत रेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी। इसमें कृष्णा ने बोला है कि मुफाड अभी बहुत गुस्से में बोल रहा है लेकिन स्टेज शो में उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। रेडबुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी। रेडबुल बैटल चैंपियनशिप 1 नामक एक इवेंट होता है मेनली फॉर बी बॉइंग बैटल, बट वहाँ पे हिप हॉप के अदर एलिमेंट्स की परफॉर्मेंसेज भी आपको देखने मिल जाएगी। तो अपेरेंटली उस कॉन्सर्ट में मुफाड डिड नॉट परफॉर्म वेल। थोड़ा कम फूक तू मार ली नहीं है हाल ही में, मतलब नाउ आई एम आस्किंग इज दिस अ फैक्ट और नॉट, बिकॉज़ लाइक यू सेड ही इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड यू गाइस से दैट दिस इज सपोज्ड टू हैव फैक्ट्स, सो
was that the reason? Like, he was he really not able to perform when that Red Bull event happened? मैं सुना तेरी मार्ली गई है। बॉब मार्ले वाज अ सिंगर हु यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ऑफ मैरिजुआना। इनफैक्ट उनके एक गाने का नाम भी है गांजा इन माय ब्रेन। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि तू कम गांजा फूका कर क्योंकि तू बॉब मार्ले नहीं है। एंड देन ही सेज कि रिसेंटली तेरी मार ली गई है, रेफरिंग टू रागास डिस पूछ मेरा नाम। जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी, आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। नाउ आई हैव नोटिस कि कृष्णा दो चीजों से बहुत ज्यादा बुरी तरह ट्रिगर हो जाता है। नंबर वन, अगर उसके ओपोनेंट के बहुत लंबे बाल हो तो। नंबर सेकंड, इफ हिज ओपोनेंट इज समहाउ रिलेटेड टू अ पर्सन नेम्ड टोनी। इस पर हम आगे बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। लेना ना पंगा लगा दूं मैं लंका। आई टोल्ड यू ना, बोला था कि अगर कभी कॉम्पिटिशन हुआ हमारा तो महाराज कृष्णा को उधेड़ देंगे, और ऐसी हेडलाइन सुबह न्यूज़पेपर में भी छपेगी। कृष्णा रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग अजी मेरा घंटा, विच मीन्स ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल्सो अजी मेरा घंटा इज अ नेम ऑफ अ ट्रैक बाय मूफार्ड जो उन्होंने DMF के लिए रिलीज किया था 3 साल पहले। लुक एट हाउ कृष्णा इज इंटीग्रेटिंग दीज थिंग्स इनटू दिस डिस ट्रैक। कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्ल से शक्कर था। शक्ल से शक्कर मतलब होता है शक्ल से गे। डेली स्लैंग में अगर आपको कोई आके मीठा या शक्कर ऐसा कुछ बोलते तो समझ जाना कि वो आपको गे बोल रहा है। तुझ पे मैं शक्कर था छोटे, तू मेरे ना टक्कर का जाके ये पकड़। दैट्स अ लो ब्लो, दैट्स रियली अ लो ब्लो। वही लेबल जिसने मूफार्ड को साइन कर रखा है। कृष्णा सेज कि उनको मूव कंपनी। सम न्यू इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग। आई डोंट लिसन टू टोनी कक्कर एट ऑल, सो आई डोंट नो अपने राज जोन्स के इंटरव्यू में बोला था कि कृष्णा ने ऐसी भसड़ या डिस किया है व्यूज के लिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को ये बात समझ ना आ पाए कि डिस से व्यूज आते हैं नहीं आते हैं, वो बेवकूफ है। आते हैं ब्रो, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। कृष्णा को देख लो, बहती गंगा में उसने करा है, मैं तो बोलता हूँ। तो कृष्णा asks him to read his विकिपीडिया पेज जिसमें लिखा है कि 2010 वाला उनका सॉन्ग कैसा मेरा देश बिकेम द सेकंड मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक वीडियो इन इंडिया, दैट टू ओवरनाइट। यू गाइस हैव आस्क्ड मी टू रिएक्ट टू कैसा मेरा देश आल्सो, सो वंस दिस थिंग इज ओवर आई एक्चुअली वांट टू गेट इनटू कपल ऑफ अदर रैपर्स आल्सो एंड देन आई विल रिएक्ट टू दीस सॉन्ग्स एज वेल, लाइक द ओल्ड लोगो ऑल द मूफार्ड्स सॉन्ग। एंड कृष्णा ने इस बीफ में जिकी मीडिया को भी नहीं छोड़ा। मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते, फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके। मूफार्ड ने अपने ट्रैक में बोला था कि तू गुस्से वाला इंसान नहीं है। हाथ चला चादर में, तू गुस्से वाला नहीं है। एंड कृष्णा रिस्पॉन्स बाय सेइंग कि वो तब तक गुस्सा नहीं करते जब तक उनसे कोई सामने से पंगा ना ले ले। एंड देन अगर कोई पंगा ले ले तो कृष्णा उसको अपने ट्रैक में नंगा कर देते हैं। ऑल्सो ट्रैक पे मैं छोरू तुझे नंगा करके, इस छोरू की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, इस छोरू का मतलब होता है स्क्वर्ट व्हाइल यू आर नेकेड। कृष्णा विल मेक यू स्क्वर्ट ऑन हिज ट्रैक। एंड हाउ डज समवन मेक यू स्क्वर्ट? यस, कृष्णा विल बेसिकली फक यू इन हिज ट्रैक। अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में। मूफार्ड ने अपने राज जोन्स वाले इंटरव्यू में कृष्णा के बारे में बोला था कि उसने MEVA के अगेंस्ट डिस निकालकर बहती गंगा में हाथ धोया है। एंड कृष्णा हियर इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू मूफार्ड कि क्या अब मूफार्ड ने कृष्णा और रफ्तार को डिस करके भी गंगा जल में हाथ धोए हैं? मूफार्ड ने अपने डिस बिच आई एम अ गॉड में बोला था कि कृष्णा घूसे वाला नहीं है, यानी फिजिकल फाइट कृष्णा के बस की नहीं है। कृष्णा सेज कि अगर तुझे लगता है मैं घूसे वाला नहीं हूँ तो मुझे घंटा घर पे आके मिल। तो मूफार्ड लिव्स नियर हरिनगर का घंटा घर, एंड दैट्स व्हाई आपको घंटा घर के बाद एक बैकग्राउंड में छोटी सी आवाज आ जाएगी जिसमें हरिनगर जहाँ पे मूफार्ड का घर है वो बोला हुआ सुनाई दे जाएगा। And Krishna is reminding him of how he wanted to meet Beard Gang in Pari Chowk, proving that wo ghuse wala banda hai.
इससे पहले वाले बार्स में घूसे की बात चल रही थी एंड घूसे को इंग्लिश में बोलते हैं पंच, जो कि नेक्स्ट बार का टॉपिक है. लुक एट द ट्रांजिशन दैट कृष्णा इज ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल. बट दिस पंच डजंट मीन घूसे वाला पंच, दिस पंच मीन्स पंच लाइन यानी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स. कृष्णा सेज कि इस डिस में बहुत सारी पंच लाइन्स मारी है उन्होंने एंड देन ही सेज कि मूफार्ड को देखकर उनको ऐसा लगता है कि उनका लंच टाइम चल रहा है, मतलब ही'ल ईट मूफार्ड इन दिस बीफ. आर यू स्लिक बैक जैसे कुनू किट कैट लाता मैं बार जब आता है क्रंच टाइम. दिस इज हैंड्स डाउन द मोस्ट अंडररेटेड बार ऑफ दिस होल सॉन्ग. आई विल स्लिक बैक, दिस वाज अंडररेटेड, दिस वाज माय फेवरेट बार. दिस ओके, मेरा तो ये फेवरेट था. That means वो गला स्लिट कर देंगे, यानी वो मूफार्ड का गला काट देंगे. Also, Kit Kat is a chocolate जिसको स्लिट करके खोला जाता है. Yes. Now the next lines are लाता मैं बार्स जब होता क्रंच टाइम. दिस होल सेगमेंट इज अ डबल एंटेंड्रे. लाता मैं बार्स से कृष्णा का मतलब है कि वो किट कैट जैसा चॉकलेट बार लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम, यानी जब भी कुछ क्रंची खाने का टाइम होता है तो किट कैट जैसा क्रंची चॉकलेट बार खाते हैं. द अदर मीनिंग ऑफ दिस इज लिटरल इंग्लिश मीनिंग कि वो बार्स यानी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम. क्रंच टाइम इन इंग्लिश मीन्स हाई प्रेशर सिचुएशन, जो कि ऑब्वियसली एक बीफ के दौरान रहती है. What is this man? This is absolutely next. He gave 3 points for this. Yes. I want to clap for myself. I want to clap for myself because Rohan and I are at the same page here. He thinks, I don't know why he thought that this is underrated line. This was probably my favorite. Which is your favorite bar? Huh? Oh, wow. You're Rohan. We are besties now. Next level shit. I am not the one to fuck with. Tu lage in bread jaise bun mein cutlet. This is the most brutal bar of the track. Tu lage in bread. In bread means aisa bachcha जो फैमिली के आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद होता है. जैसे अगर कोई बहन भाई आपस में कर ले तो उसका जो बच्चा होगा दैट इज एन इनब्रेड चाइल्ड. ठीक है, ही देन कॉल्स मूफार्ड अ कटलेट व्हिच इज नॉर्मली कंज्यूम्ड व्हेन इट इज इन ब्रेड, नॉर्मल खाने वाला ब्रेड. व्हाट अ लाइन. अब बंटी के बिस्तर में कर तू वर्जिश, आई गेस फॉर यू सन इज फन टू सक इट. बाय बंटी कृष्णा मींस एमीवे बंटाए. कृष्णा मूफार्ड को कहते हैं कि एमीवे के बेड पे जाके एक्सरसाइज कर. हियर एक्सरसाइज इज एन यूफेमिज्म टू सेक्स एंड देन ही आस्क्स मूफार्ड टू सक एमीवेस डी. बीफ में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय छोड़ी सौ लाश है. प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कृष्णा हैज किल्ड 100 पीपल इन बीफ बिफोर मूफार्ड. तेरा खानदान सुनता है एमीवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है. ओह, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल था. एंड इस एक लाइन में he has just 4 different people. He has just MEV because usko sunne wale bevkoof hote hain. He has just MEV stan kyunki wo bevkoof hain. He has just Mufar's parents because Krishna, I listen to you also. Huh? Okay. They listen to MEV and then he is just Mufar'd. This is really getting dirty. Char log kaun the? Char log. MEV because usko sunne wale bevkoof hote hain. He is just एमीवे स्टैन क्योंकि वो बेवकूफ हैं. ही इज जस्ट मूफार्ड्स पेरेंट्स बिकॉज दे लिसन टू एमीवे एंड देन ही इज जस्ट मूफार्ड. दिस इज रियली गेटिंग डर्टी एंड अगली राइट हियर. मैदान में पसा से जो रखते कदम, तू नकली जन्म से अब रख ले भरम. रिप्लाई के नाम पे तू कर ले शर्म, रख दे कलम हर जस तू कर दे खत्म. नाउ इतने एफर्टलेसली कृष्णा 4 सिलेबल राइम्स और इंटरनल राइम्स कर देता है दैट आई डोंट इवन फील लाइक मेंशनिंग इट नाउ. बट अच्छा, हर और जस अलग अलग भी है, पर हर जस इज अनदर रैपर, राइट? तो दिस इज अनदर नेम दैट ही टुक. जो रखते कदम, रख ले भरम, कर ले शरम, तू कर दे खत्म. वाह, नाइस. Here is the rhyme scheme for this part. And a lot of people after listening to these lines are saying ki iske baad Harjas reply dega, usne haan bhai bola, etc. I'm not sure obviously, but here's my interpretation of these lines. Harjas means praise the Lord. Krishna is the Lord. Krishna says that Mufard cut is itna weak hota hai that sometimes he sounds like he's praising Krishna. And then asks Mufard to stop praising him, which means stop dissing him. And then Harjas validates Krishna's line by saying, "Haan bhai." This is just a smart use of Harjas's name and voiceover. Taliyan aaya. Amazing. 40 bhi sunta hai Krishna ke gaane, aa sach nahi bolta, tu faker hai beta. 47 and Mufard are very good friends. Saath hi saath, 47 has very good relation with Kalamkar artists as well. Achha. Mufard ne 47 ka name drop kiya tha apne diss track mein, and Krishna here says ki even 40 listens to Krishna.
एंड मुफार नोज अबाउट दैट बट ही इज लाइंग ऑन हिज ट्रैक। तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज, किंग रॉको का चौको तू लेकर है बेटा, खा ले तू मुंह में अब डाल ले तू। Yet another name drop. Mufad अपने आप को महाराजा बुलाते हैं। Also King Rocco नाम की एक रैपर है जो अपने आप को महाराजा बुलाते हैं। कृष्णा says कि Rocco Mufad से भी बड़ा है and then he asks him to hold Rocco's choco and then later eat it. You know what Krishna means by Rocco's choco. You obviously know that. रैप छोड़ बेटी, तेरे बस की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले जुल्फे संभाल ले तू। वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ही एड्रेसेस मुफाड एज बेटी एंड देन बोलते हैं कि अपनी जुल्फे संभाल लो। शेट अनदर डिस ऑन मुफाड्स हेयर स्टाइल। तू इतने साल से बनाया नहीं हिट, हिप हॉप के घर में लगाया नहीं ब्रेक। कृष्णा कहते हैं कि मुफाड हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग इन द ग्रोथ ऑफ देसी हिप हॉप एंड ही हैज मेड फ्लॉप म्यूजिक थ्रू आउट हिज करियर। बीमारी में तूने बनाया ये डिस, अफसोस फिर भी कुछ लिख पाया नहीं सिख। कल वाली ब्रेकडाउन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिख मींस बीमार, ऑल्सो सिख मींस फाड़ू या बहुत ज्यादा सही। कृष्णा सेज कि तू बीमार था जब तू अपने लिरिक्स लिख रहा था पर फिर भी तेरे लिरिक्स सिख नहीं थे, मतलब बहुत सही नहीं थे। मारने का था तुझे इरादा नहीं, दिखाया रिस्पेक्ट और बदले में मांगा नहीं, धक्का दोगे तो कठोर मुझसे ज्यादा नहीं। कृष्णा सेज कि मैं अपने में बहुत सही चल रहा होता हूँ लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। मैं ही भगवान, मुझसे बड़ा महाराजा नहीं। कृष्णा इज अ गॉड And God is always bigger than the king. And इसी के साथ महारानी का breakdown is over and the final score is 80. This was such a genius track and a message to everyone who says कि कृष्णा ने 12 साल ना मुझे तो पता नहीं personally क्यों खुशी हो रही है because he gave 3 points to the Kit Kat line. I don't know why I'm feeling so happy with that. खड़ा नहीं है। तो जो कृष्णा मुफाड ब्रदरवी जैसे आर्टिस्ट्स हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा लिखा है और इतना काम किया है कि राइटिंग पंच लाइन्स हैज बिकम देयर सेकंड नेचर। रैपिंग लाइक एनी अदर स्पोर्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड ये प्रैक्टिस नजर आती है व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट लिरिक्स इन सच अ शॉर्ट स्पैन। सो प्लीज रिस्पेक्ट बोथ द आर्टिस्ट। गानों के मजे लो, मस्त एकदम कॉमेंट्स में जो भी लिखना लिखो, बट प्लीज दोनों में से किसी भी आर्टिस्ट को हेट मत दो। डोंट गो टू देयर डीएम्स एंड राइट शिट बिकॉज मैं और आप उनके लेवल पर कभी है ही नहीं। एंड विद दैट इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। इट्स माय आई विल स्टॉप इट हियर। आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट रोहन मेड इज सो important that I mean as a listener I think it's like a double win for the listeners and even though you are if you are belonging to one particular fandom I feel that as a listener you can just enjoy both the sides because when it happens in a beef I'm guessing everybody is trying to bring in their A game and they're trying to up one another so everybody is going to be like completely like focused and you know bringing their A game to write the best track for dissing the other person so mad respect matlab itna to 24 ghante mein lyrics likhna you know to write verses which are you know intelligent to listen to which has bars basically then you have to compose it make the flow how you have to decide how the flow is going to go then shoot a video post it I think being an artist is not easy it's not easy doing anything like this is absolutely not easy so respect for both the artist and this song hello 80 points personally once again I'm going to say I'm so happy that the Kit Kat line got 3 points Somehow, पता नहीं मेरे को एकदम प्राउड फील हो रहा है कि yes, that was my favorite line and Rohan gave 3 points to it. So, sort of like a validation for me also that I could recognize the genius of the line. What was your favorite bar from this? Please do let me know. And I love this in terms of like comparing all Krishna songs. This has to be in my top 5. Just because of the lyrics. Now, though, definitely, the brutality factor, he went personal, he name dropped so many, you know, beautiful, amazing, intelligent references that he gave. And yeah, he went personal. And I'm sure knowing from you guys that how lyrically even genius Mufar is, I'm really waiting ki, you know, Monday ko jo bhi main, I think Mufar ka ye gaana hoga that I'll react to. I am waiting for that response. I am sure now it's gonna get ugly now it's gonna get brutal I loved the song as usual the lyrics were my biggest takeaway
and the way Krishna raps, his flow and everything, it's beautiful. In terms of the beats, it's nothing really out of the blue or out of the box for me. And I think Krishna was much more, you know, into like making the song and, you know, putting it out. So he really was like, main to facts pe baat karunga. I'm just gonna murder this guy with my rap, with my lyrics. So his flow and the lyrics were just amazing. The beats for me, they're pretty like generic. I mean, ye gaana main beat ke liye nahi sunungi. Ye gaana main lyrics ke liye sunungi. So that's what I mean when I talk about the beats being generic. So yes, that was my reaction for Maharani. Hello, Krishna ji. पाए लागू आपको भी. आई होप वन डे आई कैन, यू नो, अप्रिशिएट हिम, टेल हिम पर्सनली दैट आई रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ लाइक द काइंड ऑफ लिरिक्स दैट ही राइट्स. इट्स वेरी इंटेलिजेंटली डन. सो येस, दैट वॉज माई रिएक्शन फॉर टुडे. गाइज, प्लीज डू शेयर योर थॉट्स अबाउट महारानी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. या इज इट, डज दिस क्वालिफाई इन योर टॉप कृष्णा सॉन्ग्स, और यू थिंक नो, ये तो ये भी बहुत सबलाइन था कृष्णा के लेवल पे. सो डू लेट मी नो योर थॉट्स. आई वुड लव टू रीड देम. एंड यस, आई विल साइन ऑफ नाउ एंड आई विल सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिकली फॉर देसी हिप हॉप. आई विल सी यू ऑन मंडे. ऑल राइट, बाय बाय.